कहा जाता है, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में ईश्वर बसते हैं। जिस देश में माँ बाप को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है, उसी देश में माँ बाप को बुढ़ापे के समय कई बच्चे लावारिस छोड़ देते हैं। वो माँ बाप जो अपना पेट काटकर बच्चों को पालते हैं, बचपन में सारी सुख सुविधाओं के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं तथा सारे ऐशो आराम की पूर्ति के लिए वो लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें अपने शौक को पूरा करने का समय ही नहीं मिल पाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनको इस काबिल बनाने ताकि वो जीवन में अच्छा कर सके, वो अपना सारा कुछ उन पर लगा देते हैं। पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को दर बदर की ठोकर खाने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। क्या उनके अंदर थोड़ी भी दया नहीं होती कि जो माँ बाप ने उनके लिए बचपन से इतना कुछ किया और इतना बड़ा किया, क्या उन्हें उनके प्रति थोड़ा सा भी प्रेम और स्नेह नहीं होता है? मेरे ख्याल से उनमें नहीं होती होगी, तभी तो वो ऐसा करते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि एक दिन समय का चक्र घूमेगा और वो भी माँ बाप बनेंगे, और उनके बाद जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो कहीं उनके बच्चे भी ऐसा ना कर दे उनके साथ। पर जैसा कि कहा जाता है, हर अंधेरी रात के बाद एक चमकता हुआ उजाला होता है, वैसे ही इन बूढ़े माँ बाप को ध्यान पूर्वक रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए भगवान के भेजे बहुत सारे दूत भी है जो कि इनका ख्याल रखते हैं। तो चलिए आज हम लोग आप लोगों को ऐसे ही एक जगह पर लेके जाएंगे जो कि इन सारे बूढ़े माँ बाप का आश्रय बना है। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल द रॉक्स क्रिएशंस वंस अगेन। आज मैं आया हूँ आपका विश्वास की किरण ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है रामावती वृद्धाश्रम। ये जो वृद्धाश्रम है काफी खूबसूरत लोकेशन में है, और इतनी खूबसूरत यहाँ के लोग है, जिन लोगों को उनके जो बच्चों ने छोड़ दिया था बाहर, वो लोग यहाँ पर उनको शरण मिला हुआ है। मैं उनसे भी बात करूंगा और उनके बारे में जानूंगा, उनका कहानी मैं जानूंगा। यह खूबसूरत स्थान दलादिली चौक से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जेके इंटरनेशनल स्कूल के पास रातू प्रखंड बिजुलिया पंचायत अगड़ू गांव में। गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है। कैसा लगता है यहाँ पर आपको? अच्छा लगता है। चलिए, और यहाँ इससे पहले कहाँ थे आप? घर में थे लेकिन कुछ तकलीफें थे, तो यहाँ जब विद्या घर का बेटा बेटी लोग ध्यान नहीं दिया आपके ऊपर ना? हाँ, थोड़ा तो ध्यान दे रहा है, लेकिन यहाँ जब वृद्धाश्रम खुल गया तो हम कहें कि चलो भाई, और खाने पीने के हर चीज़ की सुविधा मिलता है, तो चलो रखे हम यहाँ पहुँच। जैसे होता क्या है ना कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा भी या बेटी के ऊपर उंगली उठे। तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कोई भी माँ बाप चाहेगा नहीं कि अपना घर को छोड़ करके कहीं ऐसे जगह पर आए, मतलब अपना दूर नहीं होना चाहता है, क्योंकि हर माँ बाप के अंदर में दिली प्यार होता है कि अपने बच्चों के सामने रहे। लेकिन इनको यहाँ पर, इन सभी को यहाँ पर आना पड़ा है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इनके बच्चों ने ना इनके ऊपर से हाथ हटा लिया। मतलब एक माँ बाप जो है ना बचपन से अपने बच्चे को पालते हैं निस्वार्थ भावना से, और उनको लिए हर एक चीज़ को पूरा करते हैं, हर एक कमी को पूरा करते हैं वो लोग। लेकिन जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो लोग, उनका जब बारी आता है तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो मतलब ऐसे बच्चों को तो मुझे नहीं लगता कि कभी कहीं जगह मिलेगा। आपका नाम क्या है माँ? बंगिया औरान। इससे पहले मतलब कि आपका क्या लाइफ था? हमारे कोई नख तो थे यहाँ के ही। अच्छा, मतलब बेटा भी नखे बेटी भी नखे कोनो नखे ना? का सुविधा मिलल तो कहीं यहाँ? यहाँ सब चीज कर हो सुविधा, खाए पीजिए कपड़ा लत्ता सब कर, सब चीज करना। हाँ। सब हिया से मिलल तो के नहीं? हाँ, तो हिया पर अच्छा लगल तो के पूरा। बाहर सरकार से कुछ मदद नहीं मिल रहा अभी तक ना? नहीं। तो क्या बोलना चाहते हैं सरकार को आप? अब सरकार, अब तो बुढ़िया है गले बाबू, तो वृद्धा पैसा चाहे हाँ। विधवा पैसा कहे सेवन कुछ बन भी नहीं गए रहो। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आए कैसा लग रहा है? ठीक लगता है, यहाँ तो बहुत बढ़िया, अपना हाँ। माँ बाप जैसे घर लगता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है यहाँ पर रहने मन करता है, यही पर रहने मन करता है। और क्या क्या खाने पीने में क्या क्या मिलता है? सब सब कुछ मिलता है, खाने पीने की घटी नहीं है। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिलता है, खाना पीना सब पुरकस मिलता है। यहाँ तो अपना घर जैसा रहते हैं और अपना घर जैसा खाते हैं पीते हैं, खाना पीना मतलब हर चीज यहाँ पर, कपड़ा लगता हर चीज मिलता है ना? चीज मिलता है। और आपको भी विधवा पेंशन नहीं मिलता है या फिर विधवा भी नहीं मिलता है ना, वृद्धा भी नहीं मिलता? अच्छा अच्छा, तो हमारी माता का जैसे कि आँख का ही प्रॉब्लम है हल्का सा, तो आपको सरकार से कुछ ऐसा मदद मिला? कुछ नहीं मिलता है ना। चलिए, तो झारखंड सरकार से ये बहुत बड़ा अपील है। जैसे होता क्या है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के समय तो भाई सबको एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन सालों भर जो आने वाला जो 5 साल है उसमें कुछ नहीं करते हैं। कम से कम इस बार एक प्रण लिया जाए कि भाई मेरे माध्यम से जो भी देख रहे हैं, और प्लस वो लोग एक काम तो और कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे पहले जो थे और अभी में क्या परिवर्तन? अभी अच्छा है, अभी अच्छा खाने पीने में रहने सहने सब ठीक। और इससे पहले बहुत दुख में जी रहे थे ना? थोड़ा सा बीपी सा ना, थोड़ा आँख भी धुंध जाती थी। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर खाने पीने और रहने का भी सुविधा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो भी है ना प्रॉब्लम, से सब चीज का फैसिलिटी यहाँ पर देते हैं। और इतना कुछ करने के बावजूद भी ना यहाँ पर कुछ भी इन लोगों को फंड नहीं मिल रहा है, मतलब फंड के नाम पे जीरो है। तो आप लोग जो भी मेरे दर्शक है, वो लोग कम से कम या तो शेयर तो करो ही करो, साथ में अपने जितना भी बन पड़े 100, 200, 1000, 1,000,000 जो भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर दान कर सकते हो। पूरे बढ़िया कराने के लिए देखिए, कहीं से आपको कोई गंदगी नहीं दिखेगा, साफ सुथरा पूरा, बहुत बहुत हर चीज। 2 दिन पे चादर हटाने बोल दिए हैं,
बहुत खूबसूरत बनाया गया है इधर का, सब हम ही लोग किए हैं बाबू, पुराने लायक नहीं था ये, बहुत टूटा ढहता था, बहुत इस पे मेहनत करके ये सब। देखिए दोनों रूम में 14-15 हजार का कारपेट बिछा है, ये लोग बड़े ने गड़े मार, दोनों रूम में 14 बेड लगा है। अच्छा अच्छा, ऐसे 22 बेड से स्टार्ट किए हैं, 22 बेड है पूरा, 22 बेड से स्टार्ट। अच्छा, कैपेसिटी हम 100 का लिए है। मिलेगा ही मिलेगा सपोर्ट, पूरा मिलेगा। और वो कौन सा मशीन है ना, वो थेरेपी मशीन रखे हैं, थेरेपी मशीन का पैर हाथ दुखता है, पूरा निशुल्क भावना से आप बहुत चीज रख दिए हैं, बीपी मशीन, शुगर मशीन सब है, पैर के लिए मसाजर टाइप ना, मसाजर है, और एक मशीन एक और मिलाएंगे चेयर वाला। अच्छा, रोज लोग का जांच पड़ताल सब होते रहता है। आप इस संस्था के बारे में पहले बताइए कि आपके मन में कैसा विचार आया। तो रमावती वृद्धा आश्रम खोलने का मेरा एक पहल है पूरे देशवासियों से, झारखंड वासियों से, क्योंकि हमने एक पहल किया है वैसे माता पिता के लिए जो गरीबी रेखा में आते हैं, जिनको बुढ़ापे में बहुत कष्ट होती है, दिक्कत होती है, घर में भी रखने के लिए, खाने के लिए, और अगर किसी स्थिति परिस्थिति होती है तो वो लोग रोड पे भी भीख मांगते हैं। हाँ। उनके लिए रमावती वृद्धाश्रम का मेरा पहल है। और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित काफी सारे सुविधाएं आप लोग देते हैं ना, तो उसमें क्या क्या चीज आप देते हैं, प्रदान करते हैं? स्वास्थ्य में अभी हम लोग कैंप लगवा रहे हैं लगातार हर चीज के लिए जी। और हॉस्पिटल से भी कोशिश कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज से भी कोशिश कर रहे हैं जी। और दवा उन लोग सब कुछ नहीं दे पाता अभी, तो जैसे अभी दो दादी का तबीयत खराब है तो दवा लेकर हम लोग आए हुए हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर भी हम पूरे झारखंड में रांची में पहल कर रहे हैं कि आप लोग एक कदम आगे आकर रमावती वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को इनका जो है स्वास्थ्य की देखरेख करें। तो दोस्तों आपको साइड में तो बारकोड मिल ही रहा होगा जिनके द्वारा आप लोग यहाँ पर हेल्प कर सकते हो, साथ में इनका नंबर भी है, और जैसे कोई अगर इस तरह के किसी लोगों को देखता है रास्ते में तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? मैं इसके लिए लगातार चला रही हूँ, वीडियो चला रही हूँ, हर जगह स्टेटस में भी चला रही हूँ कि पूरे झारखंड या देश कहीं किसी भी कोना में अगर इस तरह के बुजुर्ग दिखते हैं जिनको खाने के लिए नहीं है या उनको कोई देखरेख नहीं कर पाता है, कहीं भी दिखता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, हमारी महिलाओं का कॉन्टेक्ट चल रहा है, हमारी टीम को, हमारे ऑफिस को मुझे संपर्क करें, और नहीं तो आश्रम अगर जो लोग देखते हैं वो पहुँचाए, मैं खर्चा उनको दूंगी। और जैसे कि आपको आर्थिक चलिए मिलेगा मेरे दर्शक के द्वारा, और कोई अगर डायरेक्टली कुछ देना चाह रहा हो तो उसके लिए प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ेगा यहाँ का? यहाँ का है आपको ये रातू प्रखंड बिजुलिया पंचायत अगड़ू गांव जी, और ये गूगल में अपलोड है। हाँ। और नहीं तो हमारा अरगोड़ा में ऑफिस भी है जी, वहाँ भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी वहाँ महिला भी बैठती है, हमारी ऑफिस इंचार्ज भी बैठती है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रेख करती हूँ, आती हूँ जाती हूँ बस, और जो घटता टूटता है सब हम ला करके देते हैं, लोग को देखभाल करते हैं, और कहीं से हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है तो बस वही जो हम लोग का लिपस्टिक है, पाउडर का खर्चा बचा करके हम लोग वही पैसा से माँ लोग को सेवा में लगाए हुए हैं जी जी। और बस ऐसे ही चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि कहीं से कुछ मदद मिले, 10 रुपया 5 रुपया बस उसी में हम लोग संचोक है, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि दिखावा के लिए। बहुत संस्था आया है, बहुत फ्रॉड भी चल रहा है, इसीलिए कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आकर के विजिट भी करे, देखे यहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आकर के देखे और हम लोग को मदद करे। कहा जाता है 7 जन्म पर, मैं मानता हूँ कि हम लोग एक ही जन्म मिलता है, तो उसी जन्म में हम लोग को इतना कुछ अच्छा काम कर देना चाहिए कि हम लोग को आने वाले पीढ़ी ना सुख संपन्न से जी सके। हमारी संगठन और महिलाओं की टीम से ये संगठन को चलाया जा रहा है, अपने खर्चे अपने लाइफ स्टाइल के ऐसो आराम को, जो हम लोग का क्रीम पाउडर जो भी हमारी मदद किरण देवी जो बोली, वो अपने बचत के खर्चों से हम लोग यहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं खुद के पैकेट से कर रहे हैं, अभी कहीं से भी हम लोग को आर्थिक मदद कुछ भी नहीं मिला है। तो ये मेरा अपील है ऐसे लोगों के लिए और ऐसे सेवाओं के लिए कि दान तो दान है, 10 रुपया भी दान आता है तो हम लोग को छोटे छोटे भी मदद होगी तो बहुत मदद होगी, क्योंकि ये पूरे रेंट पर है, रेंट पर लिया गया है, दो दो स्टाफ हैं, उनको भी पेमेंट करना है, और दिनचर्या रोज का किसी की तकलीफ हो जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ भी राशन है, बहुत सारी चीजें हैं छोटे छोटे जो घटे रहते हैं, तो खर्च तो हो ही रहे हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए अभी तक तो मैं चला रही हूँ खुद के खर्चों से अपनी महिलाओं के साथ। आगे लोग इस पे थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करें और हम लोग को मदद करें रमावती वृद्धाश्रम चलाने में।
तो यहाँ पर सिर्फ ना वृद्धाश्रम नहीं, यहाँ पर ना देख सकते हो काफी बहनें जो है ना यहाँ पर अभी सिलाई सीख रही है और सिलाई सीख करके ना आगे जाकर अपना जीविका को और अच्छा कर लेंगी। आपके बच्चे ही मैं कह सकता हूँ इनको, है ना, आप गुरु ही है तो सब होते हैं बच्चे। तो कितने बच्चों का आप संभाल रही फिलहाल? 20 बच्चों को ना। तो उनको ये जो दीदी है ना सक्षम बना रही है, आगे का समय होगा इन लोग अपना इस तरह के काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। 20 है पर मशीन 10 ही है। अच्छा, नहीं हो पाता है। सीखने के बावजूद ना ये लोग इतने सक्षम नहीं है कि अपने पैसों से मशीन खरीद सके, और इनको जीविका चलाने के लिए मशीन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ सीखते हुए कितने समय हो चुके हैं? अभी हम लोग का 1 महीना होने जा रहा है, पर यहाँ पे हम लोग को जैसे सीख रहे हैं अपना अपना कहीं कहीं से मशीन ला के, तो हम लोग को मशीन चाहिए हम लोग को। अच्छा अच्छा, तो मतलब मशीन की यहाँ पर भारी कमी है ना। अचार भी ले आइए दीदी, हमको अचार भी दीजिए, पापड़ होगा ना, पापड़ भी छनवा दीजिए। तीगा दीदी यही खाना बनाती हैं। अच्छा बोलिए दीदी, कुछ काफी अच्छा खाना बनाए थे वैसे, हम लोग खाए अभी, बहुत अच्छा लगा। खाना पीना देख रहे के ही करते हैं, देख रहे काम ही करते हैं सब कोई। तो 3 टाइम बनता है ना यहाँ पर? हाँ 3 टाइम बनता है, नाश्ता दोपहर शाम। जी जी जी। आज आप लोग आए हैं इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया करती हूँ, अदा करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस रमावती वृद्धा आश्रम का लोगों तक कार्य और इसकी सेवाओं को फैलाएं, घर घर तक इनको फैलाएं कि यहाँ क्या सेवाएं हो रही हैं, कार्य हो रही हैं, और मुझे सशक्त करें आश्रम को चलाने के लिए। और लोगों से अपील है कि दान सेवा को लेकर एक कदम आगे आए। बस वही कहना चाहते हैं कि हम ही लोग जैसे महिला लोग को भी कहना चाहते हैं इधर उधर ना जाए, आश्रम में आ करके वही जो भी खर्चा करते हैं उसको यहाँ आकर के बूढ़ी लोग को बुजुर्ग लोग को आकर के खिलाए पिलाए। और बस वही चाहते हैं कि हम ही लोग जैसे महिला लोग को बोलते हैं कि 10 रुपए 5 रुपया आकर के आश्रम मदद करे। और साथ ही ना दोस्तों आप लोग यहाँ पर आकर के बर्थडे पार्टी मना सकते हो, शादी का फंक्शन रख सकते हो यहाँ पर, यहाँ आप लोग को हेल्प का हेल्प भी मिल जाएगा, प्लस आप लोग को यहाँ इतने सारे माताएं और जो बाबा लोग है ना उनका भी आशीर्वाद भी मिलेगा साथ ही साथ। तो जो भी आप लोग प्रोग्राम करते हो तो यहाँ वहाँ पार्टी शार्टी करने से अच्छा है कि भाई यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप लोग खाओ खिलाओ और दान पुण्य भी कमाओ साथ ही साथ। विदा लेता हूँ आप लोगों से, और आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और भारी मात्रा में शेयर करो इस वीडियो को। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर का एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग पर्सनली विजिट करो और इन लोगों से मिलो, आप लोगों को तहे दिल से काफी अच्छा लगेगा, ये मेरा आप लोगों को गारंटी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।